नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं प्रिया और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है, साथ ही जितेंद्र मांझी का नीतीश कुमार पर एक और बयान। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक या गोधरा कांड जैसा दोबारा कर सकती है। संजय राउत ने एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि लोगों के मन में यह डर है कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकती है, जिस पार्टी और उनके प्रधानमंत्री पर पुलवामा जैसे घिनौने काम करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ये बोलते हैं कि पुलवामा हुआ नहीं, किया गया है, वह पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी पर इस तरह का तीखा हमले बोलने वाले संजय राउत शिवसेना यूबीटी के अकेले नेता नहीं हैं। दो दिन पहले ही पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ही बयान दिया था। रविवार को महाराष्ट्र के हिंगोली में एक रैली को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी अपने 2024 के चुनाव को लेकर सांप्रदायिक तनाव फिर से फैला सकती है। अगली खबर, लोकसभा में एनडीए के खिलाफ लड़ाई के लिए इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक होने वाली है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि उनकी कोई इच्छा नहीं है, वह यही चाहते हैं कि सारे विपक्षी दल एकजुट होकर मजबूती से लड़े। सीएम नीतीश कुमार के इन्हीं बयानों को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनर मांझी ने सवाल उठाए हैं। मंगलवार को जीतनर मांझी ने कहा कि कमल बरसेगा और पानी भीगेगा, क्या यह संभव है? किसी प्रकार नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महत्वाकांक्षी नहीं हैं, ये ना उनकी ना में है और ना हाँ में है। इस दौरान मांझी ने जीडीयू के मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक श्रवण कुमार की बात है, तो श्रवण कुमार कह रहे हैं कि इसका मतलब समझिए कि नीतीश कुमार कह रहे हैं। सवाल उठाया कि नीतीश कुमार की इच्छा नहीं होती तो इतना आगे पीछे क्यों करते? सोच रहे हैं कि अब बिहार में दाल नहीं गलने वाली है तो वहां मौका कैसे मिलेगा? अगली खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अजय राय को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालते ही अजय कुमार धड़ाधड़ और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूत करने की जी जान से लग गए हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल के प्रमुख ब्राह्मणचर्य ललितेश पति त्रिपाठी के लिए भी कांग्रेस के दरवाजे खोल दिए थे। ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस वरुण गांधी के नाम पर भी विचार कर सकती है या नहीं, क्या अजय राय वरुण गांधी को भी कांग्रेस में लाने की कोशिश करेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर अजय राय ने खुलकर जवाब भी दिया है। दरअसल पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण कुमार अक्सर अपनी बगावती तेवर को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वे अक्सर पार्टी लाइन से हटकर बयान देते हैं, बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों में वे फिर बीजेपी पर हमलावर हुए थे। वह काफी दिनों से बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंच पर नजर भी नहीं आए, इसी बात को लेकर चर्चा भी चल रही है। इस पर वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के सवाल पर अजय ने कहा कि यहाँ माँ और बेटे के बीच का मामला है। मुझे लगता है कि बीजेपी में रहकर वरुण गांधी अपने स्तर को कमजोर कर रहे हैं। अब तक जो स्थितियां रही है, वह सांसद रहे हैं और साथ में काम करना है, उन्हें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। अगली खबर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को कहा कि चीन का अरुणाचल प्रदेश पर कोई दावा नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी मानचित्र बेतुके हैं क्योंकि वे चीन भारत सीमा के इतिहास के साथ मेल नहीं खाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया चीन द्वारा अपने मानक मानचित्र को 2023 संस्करण जारी करने के कुछ घंटों के बाद आई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य में अक्साई चीन क्षेत्र को उसके क्षेत्र का हिस्से के रूप में दिखाया गया है। बता दें कि लद्दाख में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके लिए उन्हें केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि चीनी दावे की बेतुकी और बेतुकी बात चीन भारत सीमा विवाद के इतिहास से प्रमाणित होती है। आज भारत और चीन के बीच असली मुद्दा यह है कि चीनियों के सीमा का उल्लंघन किया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार को गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी करना भारत के स्वाभिमान के अनुरूप होगा। चीन ने एलएसी के साथ 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे खाली करने की जरूरत है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के सटे बिहार राज्य की सरकार ने भले ही शराब पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन बिहार में शराब पूरी तरह से नकेल लगा पाने पर असफल रही है। बस्ती जीआरपीएफ थाना के ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो यूपी में काम करने के नाम पर आते हैं और यहां से शराब की तस्करी के अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी लखनऊ से छपरा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन की चेकिंग शुरू की तो सूचना सही पाई गई। पुलिस ने एसी कोच से भारी मात्रा में शराब बरामद की जो बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है।
बस्ती जीआरएफ पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि लखनऊ से छपरा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ लोग शराब तस्करी बिहार ले जा रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और जैसे ही छपरा एक्सप्रेस ट्रेन बस्ती पहुंची तो वहां पुलिस ने गहनता से ट्रेन को चेक किया। इस दौरान ट्रेन के एसी कोच में एक गत्ते में कुछ संदिग्ध सामान रखा दिखाई दिया। जाँच करने पर इसमें भारी मात्रा में शराब निकली। इसके बाद पुलिस ने एसी कोच में काम कर रहे दो अटेंडेंट को मौके पर गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर दूसरी जगह पर रखी गई शराब की बोतलों को भी बरामद कर लिया गया है। अगली खबर, कर्नाटक पुलिस ने आतंकवादी समूह से फरार सरगना मोहम्मद जुनैद के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है जो आईटी शहर में विघटनकारी कृत्यों को अंजाम देता चाहता था। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अशरत खान के रूप में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अशरत खान से उन्हें मोहम्मद जुनैद के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं, जिसने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची थी और जिस पर अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पर होने का संदेह है। खान 4 साल से फरार था और वह 2017 नूर अहमद नामक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी भी है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस उप निरीक्षक विनोद नायक के नेतृत्व में आजीव नगर थाने में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस को तड़के मोहम्मद अशरद ने अपने आवास पर रुकने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने घर को घेर लिया और दरवाजा तोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अशरद खान ने चाकू से खुद को मारने की कोशिश की थी और अपने घर की दूसरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि पुलिस ने उस पर काबू पा लिया और हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अशरद कम उम्र में ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। अगली खबर, दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पिछले कुछ सप्ताह में दिल्ली के विधायकों, पार्षदों और सफाई कर्मियों ने खूब मेहनत कर दिल्ली को चमका दिया है। PWD, MCD एवं अन्य विभागों के इंजीनियरिंग और कर्मचारियों की भी खूब मेहनत की है। ये सफाई केवल G20 के लिए ही नहीं होनी चाहिए, अब हमेशा दिल्ली ऐसी साफ रखना। CM अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट ने साफ किया है कि अब दिल्ली में G20 के बाद भी ऐसी ही साफ सुथरी दिखाई देगी जैसे कि पहले के दिनों में दिखाई दे रही थी। अगली खबर, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कई स्थायी संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। इसमें गृह विभाग से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम को शामिल किया गया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी पहले से ही इस समिति के सदस्य हैं। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजलाल हैं। पी चिदम्बरम से पहले राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद प्रदीप भट्टाचार्य भी इस समिति में ही थे, हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके बाद सदस्य के रूप में पी चिदम्बरम की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश को राज्यसभा सभापति के विज्ञान और प्रौद्योगिक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सभापति ने मंगलवार को कुल 8 स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया है। खास बात यह है कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को इस गृह मामलों को संसदीय स्थायी समिति में तब नियुक्त किया जब समिति 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावित विधेयकों पर चर्चा कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।